तो दोस्तों फाइनली आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ्राइडे द 13th सीरीज को, जो कि एक स्लैशर हॉरर फ्रेंचाइज होने वाली है और इसमें किलर का नाम है जेसन, जिसके बारे में हर कोई जानता है। और आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो इस फ्रेंचाइज का पहला पार्ट, जिसका नाम है फ्राइडे द 13th, जो की आई थी 1980 में, जिसके डायरेक्टर है शॉन एस कनिगम और राइटर है विक्टर मिलर। और इस मूवी को मिले हैं IMDb पे 6.4 out of 10। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और जल्द से जल्द इसके आगे वाले पार्ट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। तो अब बिना किसी देरी के जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है साल 1958 में एक कैम्प क्रिस्टल लेक नाम की जगह पर, जहां कुछ कैम्प काउंसलर्स आपस में मजे कर रहे थे और साथ ही में गाना भी गा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम किसी और को भी देख पाते हैं जो कि चुपके से उनके कैम्प के अंदर घुस रहा था। वहीं उन्हीं काउंसलर्स में से दो काउंसलर्स मौका देखकर स्टोरेज रूम में रोमांस करने के लिए चले गए, जिनका नाम था क्लॉडेट और बैरी। लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही वो अनजान इंसान वहां पे आ गया, जिसने बैरी को जान से मार डाला। और फिर वो क्लॉडेट को भी मारने वाला था, लेकिन उसका किल हमें खाया नहीं गया और ये इंसान कौन था वो भी हमें देखने को नहीं मिला। अब इसके बाद मूवी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है 1979 में फ्राइडे के दिन 13 जून को। वही हम एक काउंसलर को भी देख पाते हैं जिसका नाम एनी था। एनी एक पेट्रोल पंप पे रुक के एक डॉग को सहलाती है और फिर वहां से आगे बढ़ती है। रास्ते में रेडियो भी बज रहा था, जिसमे हमें बताया जा रहा था कि आज फ्राइडे है और वेस्ट में फ्राइडे को अलग के दिन माना जाता है। एनी एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां वो लोगों से क्रिस्टल लेक का रास्ता पूछती है। क्रिस्टल लेक का नाम सुनते ही वहाँ के लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से आज उस जगह को बंद कर दिया गया है और साथ ही में उस जगह का नाम भी अब कैम्प ब्लड पड़ चुका है। लेकिन उस कैम्प को रीओपन किया जा रहा है, जिसकी न्यूज से यहाँ के लोग जरा भी खुश नहीं है। वहीं पे एक इनोस नाम का आदमी था जो कि उसी कैम्प के रास्ते से होते हुए जाने वाला था, इसलिए वो एनी को अपने ट्रक में लिफ्ट देने के लिए मान जाता है, क्योंकि उस तरफ कोई भी बस नहीं जाती। वो दोनों उस जगह के लिए निकलते हैं कि तभी वहाँ पे एक रैल्फ नाम का एक आदमी उनको रोक देता है, जो कि मेंटली अनस्टेबल था। वो उनको कहता है कि वो जगह ठीक नहीं है और अगर तुम वहाँ पे जाओगी तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। इनोस एनी को उस आदमी को इग्नोर करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो पागल है। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर इनोस खुद उसको मना करने लगता है कि तुम वहाँ पे मत जाओ, लेकिन एनी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती। इसलिए इनोस को आइडिया लग जाता है कि एनी को उस जगह के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, इसलिए वो उस जगह पे जाने से नहीं डर रही। वो उसको बताता है कि 1957 में एक लड़का डूब के मर गया था और उसी के अगले साल दो काउंसलर्स का भी खून हो गया था, और ये उन्हीं दो काउंसलर्स की बात कर रहा है जिनको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। खैर वो आगे बताता है कि आज से पहले भी उस जगह को कई बार खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पे हर बार कुछ न कुछ बुरा जरूर होता था और उस जगह पे कई बार आग भी लग चुकी है, इसलिए इस बार भी कुछ न कुछ तो बुरा जरूर होगा, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम वहाँ पे ना जाओ। लेकिन एनी उसकी ये सारी बातें सुनकर कुछ ज्यादा नहीं सोचती और लेक की तरफ चल देती है, क्योंकि उसका काम वहाँ पे सिर्फ खाना बनाने का था और खाना बनाने में कैसी ही दिक्कत आएगी, ऐसा एनी को लगता है। दूसरी तरफ हम कुछ और काउंसलर्स को भी देख पाते हैं, जिसमें थे जैक, मार्सी और नेड। ये तीनों कैंप पर जाकर अपने दोस्तों से मिलते हैं, जिसमें हैं एलिस, ब्रेंडा, बेल और इस कैंप का मालिक स्टीव। एलिस भी यहाँ पे कुछ ज्यादा खुश नहीं थी, इसलिए वो यहाँ से निकलकर कैलिफोर्निया जाना चाहती थी, लेकिन स्टीव एलिस को एक वीक और रुकने के लिए बोलता है, जिसके लिए एलिस मान जाती है। और ये देखकर हमें आइडिया हो जाता है कि पास में स्टीव और एलिस का अफेयर रहा होगा। फिर इसके बाद स्टीव उन सबको उनका काम समझाकर बाहर टाउन में चला गया सामान लाने के लिए, और ये सभी इधर एनी का वेट कर रहे थे। लेकिन एनी ने फिर से किसी अनजान से लिफ्ट ले ली थी, जिसको हमें फिर से दिखाया नहीं गया। वो इंसान एनी को गलत रास्ते पे लेके जा रहा था और एनी के काफी बोलने पर भी वो गाड़ी को नहीं रोकता, जिसकी वजह से एनी चलती गाड़ी से ही कूद जाती है। वो ड्राइवर भी उसके पीछे आ रहा था, इसलिए एनी जंगल की तरफ भागती है, लेकिन वो इंसान उसको पकड़ लेता है और एनी का गला काट कर उसको जान से मार डालता है। दूसरी तरफ हम ब्रेंडा को देखते हैं जो कि आर्चरी के टारगेट को सेट कर रही थी, तभी पीछे से अचानक नेड उस पे तीर मार देता है, जिसकी वजह से ब्रेंडा काफी डर जाती है और नेड पर गुस्सा करती है। इसके बाद वो सब लेक पर जाकर एंजॉय कर रहे थे कि तभी अचानक से नेड डूबने लगता है, और जैसे ही सब उसको बाहर निकालते हैं तो उन्हें पता लगता है कि नेड तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन इसी बीच इन पर कोई जंगल के अंदर से छुप के नजर रख रहा था। इसके बाद सब आपस अपने काम पर लग जाते हैं और एलिस को अपने कमरे में एक सांप दिखाई देता है, उससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसकी आवाज सुनकर बाकी सब भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो सभी सांप को ढूंढ रहे थे, लेकिन इनका तो सांप को ढूंढने से ज्यादा चिल्लाने पर ध्यान जा रहा था।
सांप भी खुद को कोस रहा होगा कि वो यहाँ पे आया है क्यों। सांप के मिल जाने के बाद बिल उसको काट डालता है, जिसके बाद सब अपने काम पर जा रहे थे कि तभी वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आ गया जो कि रेल्फ को ही ढूंढ रहा था। वही आदमी जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वो ऑफिसर नेट को देखकर उसको नशेड़ी समझ रहा था, क्योंकि नेट को ज्यादा ही क्रिंज हरकतें कर रहा था। अब या तो बात ही कर ले या तो हीरोगिरी दिखा ले। नेट की हरकतें देखकर पुलिस ऑफिसर उसको चुप रहने के लिए बोलता है। साथ ही में वो उन लोगों को बताता है कि रेल्फ एक पागल आदमी है जो कि नशे करके कुछ ज्यादा ही उल्टी हरकतें करता है, जिसकी वजह से वो उसको ढूंढ रहा है। और साथ ही में वो उन लोगों को संभल के रहने के लिए भी बोलता है। तभी उस पुलिस ऑफिसर को उसके चीफ का कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से उसको वहां से जाना पड़ता है। ऑफिसर के जाते ही सब अपना काम कर रहे होते हैं कि तभी एलिस को रेल्फ मिल जाता है, जिसको देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। नेट उसको वहां से निकलने के लिए बोलता है, लेकिन जाते वक्त रेल्फ फिर से इनको बोल रहा था कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम सबके सब मारे जाओगे, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। कैबिन में भी लाइट नहीं थी, इसलिए वो सब एक पुराने जनरेटर हाउस में पहुंचे, जिसकी मदद से उन लोगों ने लाइट ऑन की। और ऐसे ही इधर उधर की काम निपटाते हुए शाम हो गई, जिसके बाद हम लेक के पास मार्सी और जैक को देख पाते हैं जो कि लेक के पास ही घूम रहे थे और इन दोनों को देख रहा था नेड। तभी पासे के कैबिन में नेड किसी को जाते हुए नोटिस करता है, इसलिए वो भी उसके पीछे चल देता है। बारिश शुरू होने वाली थी, इसलिए जैक और मार्सी भी उस कैबिन में पहुंचे जहां उन्हें कोई नहीं दिखता, और इसी का फायदा उठाते हुए दोनों लगे रोमांस करने में। लेकिन उन्हें ये नोटिस नहीं किया कि इनके बेड के ऊपर नेड की बॉडी पड़ी हुई है, यानी कि किलर ने नेड को भी मार डाला। सब कुछ करके मार्सी बाथरूम में पहुंची और उसके जाते ही जैक के मुंह पर नेड का खून गिरता है। लेकिन इससे पहले कि जैक कुछ भी समझ पाता, किलर ने बेड के नीचे से एक शार्प ऑब्जेक्ट उसके गले के आर पार करके उसका खेल भी खत्म कर डाला। इसके बाद वो गया मार्सी के पास, जिसको उसने कुल्हाड़ी की मदद से काट डाला। बट स्टिल इतने सारे केस देखने के बाद भी हम ये जान नहीं पाए कि आखिर किलर है कौन। इधर ये तीनों भी गिटार बजाकर और गेम्स खेलकर टाइम पास कर रहे थे कि तभी अचानक से तेज हवा के चलते उनके कैबिन का दरवाजा खुल जाता है, जिसकी वजह से ब्रेंडा को याद आया कि वो अपनी कैबिन की विंडो को खुला छोड़कर आ गई है, इसलिए वो वहां से अपनी कैबिन में वापस चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टीव को, जो कि एक कैफे में बारिश के रुकने का वेट कर रहा था, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ले नहीं रही, इसलिए वो बारिश में ही कैंप के लिए निकल गया। लेकिन बीच रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां से एक ऑफिसर गुजर रहा था, जिसने उसको अपनी गाड़ी में बैठा लिया ताकि वो उसको कैंप तक छोड़ दे। वहीं ब्रेंडा भी अपने कैबिन में आराम कर रही थी और साथ ही में एक बुक पढ़ रही थी, लेकिन खिड़की से उसको कोई देख रहा था और ये हम देख पा रहे थे उसी इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से। तभी बाहर से ब्रेंडा को किसी बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि उसे मदद के लिए बुला रहा था, जिसकी आवाज सुनकर ब्रेंडा उसकी मदद करने के लिए चली गई। बहुत ही बढ़िया, अब तो भी मरेगी। बाहर काफी अंधेरा था, पर फिर भी वो जैसे तैसे आर्चरी रेंज में पहुंची, तभी वहां की लाइट ऑन हो गई। वो जोर से चिल्लाई, जिसकी वजह से एलिस ने भी उसकी आवाज सुन ली थी। बिल भी जनरेटर हाउस में वापस आ चुका था और तभी आर्चरी रेंज की लाइट भी बंद हो गई, जिसके बाद वो दोनों जैक और मार्सी को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। कुछ ज्यादा ही जल्दी याद आ गई उनकी। बिल ब्रेंडा के कैबिन में जाता है, जहां वो बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि वहां पे वही खून वाली कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी, जिसको देखकर उन दोनों को शक हुआ कि यहां पे कुछ तो अजीब हो रहा है। साथ ही में उन्हें जैक और मार्सी की डेड बॉडी मिल जाती है, इसलिए वो पुलिस को कॉल लगाते हैं, लेकिन फोन लगता नहीं है क्योंकि फोन की वायर किसी ने काट डाली। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो दोनों नेट की गाड़ी लेके वहां से निकलने की सोचते हैं, लेकिन वो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। एलिस काफी घबरा रही थी, इसलिए बिल उसको समझा रहा था कि ये सब कोई हमारे साथ मजाक कर रहा होगा, इसलिए डरने वाली बात नहीं है, लेकिन हालत तो बिल की भी खराब है। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टीव को, जिसको पुलिस ऑफिसर बता रहा था कि आज की रात सबसे ज्यादा क्राइम्स होते हैं, क्योंकि आज पूरा चांद निकला हुआ है और ऊपर से आज फ्राइडे द 13th भी है। ये सारी बातें वो स्टीव को बता ही रहा था कि ऑफिसर को रेडियो कॉल के जरिए क्राइम सीन पर आने का ऑर्डर मिल जाता है, इसलिए वो स्टीव को बीच रास्ते में ही उतार के चला जाता है। स्टीव पैदल चलते चलते कैंप तक पहुंचता है, जहां कोई टॉर्च लेके खड़ा हुआ था। स्टीव उससे उसके हालचाल पूछता है, तो वो स्टीव को स्टैब करके मार डालता है। है तो ये पक्का कोई संकी दिमाग का इंसान ही, जिसके बारे में आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये आखिर है कौन। लेकिन इतना तो आइडिया हमें लग गया कि ये जो भी है स्टीव उसको जानता था, इसलिए ही वो उसके हालचाल पूछ रहा था। दूसरी तरफ बिल फिर से जनरेटर को ठीक करने में लगा हुआ था, क्योंकि एक बार फिर से जनरेटर बंद हो गया था, लेकिन हम किलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाए कि वो बिल के काफी पास खड़ा हुआ है। वही एलिस की आंखें भी अचानक से खुल गई, जो कि देखती है कि सभी लाइट्स बंद हो रखी हैं। इसका मतलब है कि जनरेटर फिर से बंद हो गया है। वो चाय बनाने के लिए जाती है और काफी देर तक बिल के वापस न आने की वजह से वो खुद बिल को देखने के लिए जनरेटर रूम में पहुंच गई। वहां उसको बिल मिल तो जाता है, लेकिन मरी हुई हालत में। किलर ने उसको मारकर गेट से टांग दिया था, जिसको देखकर एलिस की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। बिना टाइम वेस्ट किए वो तुरंत अपने कैबिन में गई, सारे डोर
और खिड़की बंद किए और बचाव के लिए कुछ चीजें हाथों में ले ली। दिमाग तो इस लड़की में काफी ज्यादा है, लेकिन इससे भी ज्यादा दिमाग है किलर में, क्योंकि किलर ने ब्रेंडा की लाश खिड़की से अंदर फेंक दी, जिसको देखकर एलिस और भी ज्यादा पैनिक करने लगी। एलिस हिम्मत करके बाहर भाग के जाती है कि तभी किस्मत से वहाँ एक कार भी पहुँच जाती है। उसको लगा कि स्टीव आ गया, लेकिन वो थी स्टीव की पुरानी दोस्त मिसेस वोरिस। लेकिन क्या स्टीव और क्या मिसेस वोरिस, वो तो उनको देखकर काफी खुश हुई और उसने उनको बताया कि सब लोग मारे गए। अब इससे पहले कि हम लोग भी मारे जाए, उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वहाँ से निकलने की वजह मिसेस वोरिस ने कहा कि उनको वो डेड बॉडीज देखनी है, जो कि काफी अजीब बात थी। वो ब्रेंडा की डेड बॉडी को देखकर काफी इमोशनल हो गई और वो बोलती है कि स्टीव को इस जगह को फिर से खोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस जगह पे हमेशा से ही मुसीबतें आती रहती हैं। मिसेस वोरिस एलिस को स्टोरी सुनाती है जिसमें एक बच्चा 1957 के टाइम में इसी लेक में डूब कर मारा गया था, जिसका नाम था जेसन। जेसन जब उस लेक में डूब के मरा, तब मिसेस वोरिस भी यहीं पे मौजूद थी, लेकिन काउंसलर्स की लापरवाही की वजह से जेसन मारा गया, क्योंकि वो बच्चों पे ध्यान देने की वजह रोमांस में बिजी थे। ये सब बताने के बाद अब मिसेस वोरिस वहाँ से चलने के लिए बोलती है, लेकिन एलिस बोलती है कि उन्हें स्टीव का वेट करना चाहिए, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है क्योंकि स्टीव तो पहले ही मर चुका है। इसी बीच मिसेस वोरिस को जेसन के फ्लैशबैक्स आ रहे थे, क्योंकि जेसन किसी और का नहीं बल्कि खुद मिसेस वोरिस का ही बेटा था और आज उसका बर्थडे भी था। और यहाँ फाइनली हमें पता लग जाता है कि मिसेस वोरिस ही असली किलर है। वो यहाँ पर जेसन का बदला लेने के लिए लोगों को मार रही थी, और मूवी की स्टार्टिंग में हमने जिन दो काउंसलर्स को मरते हुए देखा था उनको भी मिसेस वोरिस ने ही मारा था, और एलिस के सभी दोस्तों को भी इसी ने मारा है। और मिसेस वोरिस के हिसाब से सारे काउंसलर्स ही दोषी हैं, इसलिए ही वो सभी को मार रही है। वो एलिस को कुल्हाड़ी की मदद से मारने वाली थी, लेकिन एलिस वहाँ से बच के निकल जाती है मिसेस वोरिस को एक रॉड की मदद से चोटिल करके। वो मिसेस वोरिस की गाड़ी लेके भागने का सोचती है, लेकिन उसमें पड़ी एनी की डेड बॉडी को देखकर एलिस की आंखें फट गई और शायद कुछ और भी। वो फिर से वहाँ से भागती है, लेकिन उसके सामने अचानक से स्टीव की डेड बॉडी भी आ गई। वही दूसरी तरफ मिसेस वोरिस भी होश में आ गई थी और वो खुद से ही जेसन की आवाज में बातें करके खुद को समझा रही थी कि इसको कैसे भी करके जान से मार डालो, दिमागी हालत तो इसकी सच में ठीक नहीं है। एलिस भागते हुए एक कैबिन में पहुंची जहां काफी गन्स रखी हुई थी, लेकिन किसी में भी गोलियां नहीं थी। तभी मिसेस वोरिस ने भी जनरेटर ऑन कर दिया ताकि वहां पे रोशनी हो और वो सब कुछ क्लियर देख पाए। वहां पे आके वो एलिस को थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही थी, लेकिन एलिस ने उसको भी मार के अपने आप से दूर करा और जंगल में जाकर छिप गई, जिसके बाद वो मिसेस वोरिस के वहां से आगे निकलने के बाद वापस कैबिन में आकर छुप गए, लेकिन उसने उसको वहाँ पे भी ढूंढ लिया। एक मसेटी की मदद से उसने उस डोर को तोड़ा और एलिस को भी वो मारने वाली थी, लेकिन एलिस ने एक पेन की मदद से फिर से उसको बेहोश कर दिया। वो चेक कर रही थी कि वो मरी या फिर नहीं, और फाइनली श्योर होने के बाद वो एक बोट में जाकर बैठ गई। लेकिन जेसन की माँ वापस से वहाँ पे आ गई, लेकिन पानी में उसकी शैडो देख के एलिस ने उसके हमले से खुद को बचा लिया। मिसेस वोरिस उसका गला दबाकर उसको मारने वाली थी, लेकिन एलिस ने जोर लगाकर उसको नीचे पटक दिया और उसी की मसेटी की मदद से उसी गर्दन काट डाली, और फाइनली वो यहाँ पे मारी गई। एलिस काफी थक चुकी थी, इसलिए वो उसी बोट में सो गई और वो सुबह तक उसी बोट में ही थी। सुबह होते ही पुलिस वहाँ पे आ गई और एलिस को लगा कि वो फाइनली बच गई, लेकिन तभी अचानक से पानी के अंदर से बहुत ही बुरी हालत में जेसन बाहर निकला, जिसने एलिस को लेक के अंदर खींच लिया। तभी अचानक से एलिस की आँख खुल गई एक हॉस्पिटल में, क्योंकि वो तो बस एक सपना था। जेसन के बारे में पूछने पर डॉक्टर उसको बोलता है कि तुम्हारे दोस्तों के अलावा उन्हें वहाँ पे कोई और नहीं मिला। जिस बात पे एलिस बोलती है कि इसका मतलब है कि जेसन अभी भी वहीं पर मौजूद है, और मूवी यहीं पे हो जाती है खत्म। तो दोस्तों, ये था फ्राइडे द 13th का फर्स्ट पार्ट। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया। इस मूवी में हमें जेसन नहीं दिखाया गया, बल्कि किलर थी उसकी माँ मिसेस वोरिस। पर पूरी मूवी में हमें ऐसा दिखाया गया कि स्टीव और रेल्फ ही किलर हो सकते हैं, लेकिन एंड में हमें अलग ही ट्विस्ट देखने को मिल गया। आप लोगों को सबसे खतरनाक किल कौन सी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और बात करूँ जेसन की, तो जेसन हमें आने वाले पार्ट्स में देखने को मिलेगा, जिसपे मैंने ऑलरेडी काम शुरू कर रखा है, जिसकी वीडियोस आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग इसके आने वाले पार्ट्स को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।